नमस्कार मित्रों, तो एक बार फिर से मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो डिपुओं में 10 रुपये तक घट सकते हैं सरसों रिफाइंड तेल के दाम। हिमाचल प्रदेश के 19,50,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को जुलाई में सरसों और रिफाइंड तेल कम दामों पर मिल सकता है। प्रति लीटर 7 से 10 रुपये तक दाम घट सकते हैं। अभी डिपो में सरसों तेल 158 रुपये जबकि रिफाइंड 140 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल के टेंडर के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे थे। इसमें 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इन कंपनियों ने खाद्य आपूर्ति निगम कार्यालय में सैंपल जमा कर दिए हैं। 28 जून को निगम कार्यालय में टेक्निकल बिड खुलेगी। इसमें जिन कंपनियों की औपचारिकताएं पूरी होंगी उनकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएंगी। कम रेट वाली कंपनी को टेंडर आवंटित किया जाएगा। दूसरी ओर निगम का मानना है कि अभी मार्केट में थोक मूल्य के दामों में गिरावट है। ज़्यादा कंपनियों के टेंडर में भाग लेने से डिपुओं के दामों में गिरावट आ सकती है। राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार 25 से 30 रुपये सब्सिडी पर 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड प्रति महीना देती है। इसके अलावा बात करें तो खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि तेल के टेंडर किए जा रहे हैं। जुलाई में तेल की सप्लाई पहुंच जाएगी। निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि ज़्यादा कंपनियों के भाग लेने से तेल के दामों में गिरावट आने की उम्मीद है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में सरसों तेल, इसके अलावा रिफाइंड तेल के दामों में 10 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।